सवेर स्कूल आउंदे समय स्कूल दे बाद स्कूल विच पढ़दे ही विद्यार्थियों विच मामूली तत्कार तो बाद गोली चलन दा मामला सामने आया है। इसे पुरानी रंजिश दे चलदे अज स्कूल दे बाहर दो दोषियों ने गोली चलाई। कोलों लंघ रहे नवीं क्लास के विद्यार्थी दिलप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह दे पट विच शरा लगा जदके तत्कार हो रही सी ते स्कूल दा चौकीदार गुरदयाल सिंह छडाउण दी कोशिश करदा पर दोषी गोली चला दिंदा है जिसके चलद चौकीदार की लत्त विच भी शरा लग जाता है। दोवां जख्मियों की हालत स्थिर है। दलप्रीत सिंह नूं मलम पट्टी तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दे के घर भेज दिता गया है। दोषियों की भाल वास्ते DSP मनिंदरपाल सिंह की अगवाई विच छापेमारी की जा रही है। उधर स्कूल प्रशासन भी सख्त रुख अपना रहा है और दोषी का नाम स्कूल तो कटन की तैयारी कर रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच लई पुलिस जुटी हुई है। किसने गोली चलाई और स्कूल विच ओ विद्यार्थी पढ़ता सी जां नहीं इसके बारे पूरी पुलिस पुछगिछ कर रही है। आओ एक दिखाने हाँ तुहानू विशेष रिपोर्ट। ते बच्चे बच्चे लड़न डे पे आपस ते लड़दे लड़दे उन्हें जदों मगरों रिवाल्वर कढ़िया वा मुड़ के मैं भज के गुट तो फड़िया वा गुट तो उन्हें मुड़ के थां चल गया तो वह मेरे भी सट लग गई है तो वो भी तो मुड़ के उन्हें भज गए ने फटाफट मोटरसाइकिल से। ये नहीं पता मैंने तो वैरो की दी है कहते वैरो की दे है ये गलत नहीं सर पता मैं बच्चों बच्चों की लड़ाई है कि पता कदी गलत होनी सियाने बंदे की लड़ाई हो करते झट पता लग जाता सर है मेरे भी वजी एक माड़ा शरला वजह मेरे भी तो वो भी है। हाँ जी हाँ जी पता नहीं सर इस बारे नॉलेज ही नहीं अं कभी रखे ही नहीं सू पता ही नहीं। सानू इनफॉर्मेशन आई थी कि एक गवर्नमेंट स्कूल हैगा बॉयज का कि वो बारे एक गोली की वारदात हुई है ये बच्चे एक 9th के विच ने एक बच्चा 10th के विच एक जो गुरसाहिन हैगा वो 9th के विच हैगा एक मुंडा लाली लाली कहिंदे ने वो 10th के विच है कहिंदे इन्हां दे कोई आपस दे विच स्कूल दे विच ही कोई कुछ मैनू हुई है उहदे नाल एक मुंडा जिहड़ा लाली दे नाल एक मुंडा आया सीगा वो असीं वेरीफाई कर रहे हैं तो उम्मीद है कि असीं इहनूं जल्दी ही दोनों दोषियों नूं फड़ लवांगे। कारण इन्हों का जी जो सानू प्रीलिमिनरी इनकुआरी के साथ जो आया कि इन्हों की कोई आपसी मुंडिया मुंडिया की कोई आपस की कुछ मिलना हुई है उन्होंने ही देख रहे हैं जो एक मुंडा बाहरों कहते प्लस टू करके गया कि इस स्कूल के वो मुंडा इन्हों आया नहीं हाले तक बस साड़ी वक् वक् टीम बना के रेड कर रहे हैं सानू जो इनफॉर्मेशन आई है उसके उन्होंने घर में रेड की है प्लस एक टीम साड़ी 12वीं रेड कर जी जी देखो हूँ ये इंसीडेंट जोड़ा होयानू ही अं देखते हुए सीरीयस ना लेंगे भी बच्चे है कोई उन्होंने सीरीयस के आधार पर अभी लैके अभी कार्रवाई करते हैं। सर जो आप सवेरे स्कूल आए हैं 8:30 साढ़ा स्कूल लगता जी उस तो बाद मॉर्निंग असैम्बली जी सा चल रही थी तो लगभग 8:45 जड़ा वा वो कोई एक पेरेंट्स से अपने बच्चे छड़न आ रहे थे स्कूल तो बाहर काफ़ी हटवा सी गेट तो उत्थे दो बच्चों ने जाते जलते जी है थले गोली चलाई है जी सड़क के उत्ते शरा जड़ा वा एक बच्चे दे लग्या तो एक साढ़े जड़ा वा चौकीदार की लाते थोड़ा जहा लग्या जी तो वह बच्चे के पेरेंट्स ही आ रहे हैं जी वारदात आ स्कूल की मतलब मेन गेट तो मतलब 50 मीटर हटवी हुई है जी सर जिधर लगी वह तो स्कूल का वा तो जेडे जिन्हें चलाई आजे पुलिस कर रही है वेरीफाई वो थोड़ी देर तक पता लग जूगा जी सर वो बच्चे कह रहे हैं कि रिवालवर से जी कि जिस तो चलाई गई है वो रिवालवर से उन्हें थले गोली मारी है तो वो जड़े शरे है उभर के लगे उन्होंने हाँ जी सर पुलिस उस वे आ गई है जी DSP साहब भी आए SHO साहब भी आए हैं बच्चे ट्रेस कर ले उन्होंने एक तो कर लिया ट्रेस तो दूसरे को कर रहे हैं थोड़ी देर तक उन्होंने सानू कहा कि 2 घंटे तक आप जरा वा ये सारा जरा सॉल्व कर बच्चे सर बिल्कुल ठीक है जी घर चले गए बस थोड़े जे शरे लगे आ माड़ा जहा लगा एक लत्त के उत्ते दोनों की लत्त ही लगे है जी चौकीदार भी साडा ठीक है बिल्कुल तो बच्चा भी बिल्कुल ठीक है।